कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो माते संगोस्तविकर्मणि। अबू जफर, उम्र 62 साल, दराज कद, तीखे नाक नक्श वाला ये बूढ़ा शहजादा अबू जफर से, अब अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह गाजी हो गया है। नाम बड़ा मगर सल्तनत इतनी छोटी कि दिल्ली शहर कोतवाल के इख्तियारात हिंदुस्तान के बादशाह के इख्तियारात से ज्यादा हैं। बूढ़े बादशाह के इख्तियारात तो सिमट सिमटा कर सिर्फ इतने रह गए हैं कि कलम उठा ले कभी एक शेर और कभी एक गजल लिख डाले। या मुझे अफसरे शाहाना बनाया होता या मेरा ताज गदायाना बनाया होता या मेरा ताज गदायाना बनाया होता अपना दीवाना बनाया मुझे होता तूने क्यों खरदमंद बनाया न बनाया होता सूफियों के जो न था काबिले सूफियों के जो न था लायक सोबत मुझे काबिले जलसे रंदाना बनाया होता काबिले जलसे रंदाना बनाया होता या मुझे अफसर शाहाना बनाया होता या मेरा ताज गदायाना बनाया होता अपना दीवाना बनाया मुझे होता तूने क्यों खरदमंद बनाया न बनाया होता सूफियों के जो न थे लाए के सोहबत मुझे काबिल जल से रिंदाना बनाया होता सुभान अल्लाह जिल्ले सुभानी सुभान अल्लाह उस्ताद जौक तशरीफ लाए हैं और बारियाबी की इजाजत चाहते हैं भाई उस्ताद जौक को तो ना रोका करो अहमद बेग
मैंने तो अर्ज किया था जल्ले सुभानी, पर वही बिना इजाजत आने को तैयार न हुए। उस्ताद तशरीफ ले आइए। मुझे गुनहगार न बनाया करें। बुजुर्ग की उम्र से नहीं होती उस्ताद, इल्म से होती है, अकल से होती है, और इन दोनों चीजों में हम आपसे बहुत छोटे हैं, और आपकी शायरी का तो फिर कहना क्या है, इसलिए आपका एहतराम करना हमारा फर्ज है। तशरीफ रखिए। हिंदुस्तान के बादशाह आलम पनाह, जिल्ले इलाही पर किसी का एहतराम फर्ज नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के बादशाह से बड़ा कोई नहीं। कैसा बादशाह उस्ताद, आप भी शतरंज के बादशाह को बादशाह समझ के गलती कर बैठे। हमारे रोज, हमारे हाल, हमारे आज की हकीकत सिर्फ इतनी है उस्ताद कि जमीन खुदा की, हुकूमत बादशाह की, और इख्तियार कंपनी बहादुर का। गुजाले दस्त बोले देख के मजनी की मैयत को कि वैशी मर गया, बस हो चुका आबाद वीराना। सुभान अल्लाह। अजब आलम उस्ताद, गजल लिखने बैठते हैं तो मर्सिया लिख डालते हैं। मौलवी अब्दुल समद वहाबी, जिल्ले सुभानी। आ अब्दुल समद। भाई तुमको अमिश ना क्या करो अब्दुल समद, क्योंकि तुमने तो हमें बादशाह से मजनू बना दिया, तुम्हें ताजीम क्यों? मजनू, और वो भी लैलाए वतन का मजनू। दुनिया के हर बादशाह से ज्यादा काबिल एहतराम होता है जिल्ले सुभानी। मैं आपसे इजाजत लेने हाजिर हुआ था। झांसी की तरफ से गुजरियो और लक्ष्मीबाई से कहियो कि अपने गौस मोहम्मद को हमारे पास भेज दें। ऐसा ही होगा जिल्ले सुभानी। तो जाओ, अल्लाह के अमान में दिया। बादशाह बनकर कैसे लगेंगे बुआ? तुम तो बादशाह बनकर के ऐसे लगोगे कि दुनिया अकबर और जहांगीर को भी भूल जाएगी। बुआ, हमें ताज जल्दी से पहना दो। शाहजादों को इतना उतावला नहीं होना चाहिए। बा अदब बा मुलाहिजा होशियार, निगाह झुकी रहे के मलिकाए हिंदुस्तान जीनत महल तशरीफ ला रही है। मालिक ताज और तख्त, शहजादे जमा बख्त, जिंदाबाद पाइंदाबाद। अगर माँ की चल गई तो ये मुगलों का ताज इसी सर पर होगा। पर बाजी समझ के लगाइयो बिटिया साहब। हमें हौलाया ना करो महबूबुआ। साहिब आलम शाह के साथ बड़ी रियायत फरमा रहे हैं। इस फील से शह दीजिए बाजी खत। क्या कहा, जरा फिर से तो कहियो। बंदा तो ये अर्ज कर रहा था साहिब आलम कि शाह अपने घर में मजबूर है, फीले से शह दे दीजिए। हम तो खिदमतकार हैं साहिब आलम, जिल्ले सुभानी को अल्लाह लंबी उम्र दे।
पर ज़ईफ तो वो है। किले की कसम, कल साहिब आलम ही के सरे मुबारक पर मुगलों का ताज होगा। किस किले की कसम खा रहे हो हयातियार? ये किला अब हम मुगलों का नहीं रह गया, ये लाल किला लाल कुएं की जीनत महल का है। आलम पना ने तो अब तक लाट साहब को यह भी नहीं लिखा कि मुझे वली हद मानिया जाए। दिल थोड़ा ना कीजिए साहिब आलम, मैं तो यह अर्ज करता हूं कि आप खुद ही लाट साहब को लिख दीजिए। लिख दीजिए कि शहजादे दारा बख्त और शाहरुख की वफात के बाद आप ही बड़े शहजादे हैं, इसलिए आपको वली अहद होना चाहिए। जिल्ले सुभानी की मर्जी के खिलाफ, उनकी इतला के बगैर साहिब आलम। हम सिर्फ एक शहजादे ही नहीं, एक बेटे भी हैं। तुमने बड़ी गुस्ताखी की। मेरी जुबान अभी पतझड़ में गिरने वाले पत्ते की तरह झड़कर गिर जाए साहिब आलम, जो मैंने गुस्ताखी की नीयत से कोई बात कही हो। तखलिया। परी जमात, कभू जाइयो जो उधर सबार तो ये कहियो उससे के बेवफा, मगर एक नीर शिकस्ता पा तेरे बाग ताजा में खार था। आज हमारी याद कैसे आ गई? कनीस क्या करे साहिब आलम, मलिका आलिया हिलने ही नहीं देती। आज भी बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर आई हूँ। वो मई महबूब अली है ना, हर वक्त ताक झाक में लगी रहती है, पर ये दुश्मनों के माथे पर शिकन कैसी। हमें लगता है कि हयात यार मलके आलिया का जासूस है, और आज उसके भड़काने पे हम न जाने क्या क्या कह गए। अब वो उनके कान भरेगा। मैं जो वहां उसका जहर उतारने के लिए, आप फिक्र ना करें साहिब आलम। अब आप आंखें बंद कर लीजिए। Did you get any news from London? No. Well, I got a letter from home yesterday. Any good news? Yeah, it's a good news. Sister's getting married. His Lordship! Your Lordship, a messenger from Metcalf wishes to see you, sir. Send him in. इतना झुक कर सलाम मत करो मिर्जा साहेब, कमर में दर्द हो जाएगा। बोलो साहिबजादा। दिल्ली में अबू जफर बादशाह हो गया है साहब बहादुर। वो हमको पता है। क्या साहब बहादुर को यह भी मालूम है कि वो कंपनी बहादुर के खिलाफ बगावत करके मुगल अजमत के डूबे हुए आफताब को वापस लाना चाहता है? The fool. Somebody should tell the old fool that Mughal greatness is a thing of the past. मेरी नाकिस राय तो यह है साहब बहादुर कि उसे फौरन तख्त से उतारा जाए। तख्त? Where is that throne? वो तख्त है किधर खान साहब, है किधर? उसको हम 1,00,000 रुपए पेंशन देते हैं। But we must do something about him, sir. No, no. Give him enough rope
and wait. He is going to hang himself well and truly. Shukriya, Sahibzade Sahib. Company aapki wafadari yaad rakhegi. Hum log itna dur is vaste nahi aaya hai ke us poet ka dream se dar ke wapas jaye. Ye bhi khabar deni hai sahab bahadur ke aap jis maulvi Abdul Samad Wahabi se urdu farsi pad rahe hain wo bhi bagawat ka naksha banane mein pesh pesh hai. Pesh pesh? What the hell is this pesh pesh? Well, Indian vernacular ka yahi hai bhai ye loche ke unme culture zyada aur matlab bahut kam hota hai. Culture? What culture? Gulam log ko koi culture nahi hota. Indian ka culture dakha ka jula logon ka anguta mitha. Wo hum khate hain. बोलो मतलब यह है साहब बहादुर के अब्दुल समद वहाबी बहादुर शाह का आदमी है उसका जासूस है वो बख्तियार काकी रहमतुल्ला अले के उर्स की शिरकत का बहाना करके गया था मिलना तो उसे बहादुर शाह से था ताजपोशी के दूसरे दिन वो किले की गुलाब बाड़ी में बादशाह के साथ 2 घंटे रहा था बात क्या हुई कुछ पता नहीं Oh, I see. Malvi Abdul Samad. Well, well, well. James, play him. अस्सलाम वालेकुम वेल मालवे अगर तुम अभी बता दो इस बहादुर शाह से तुम्हारी क्या बात हुई थी तो हम तुमको माफी दे देंगे लॉर्ड डलहौजी मैंने तुम्हें बहुत मेहनत से पढ़ाया है मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि तुम अभी उर्दू सही नहीं बोल सकते शुरफा माफी को देना नहीं कहा करते और वैसे भी तुम अब उर्दू की तरफ ज्यादा ध्यान मत दो क्योंकि तुम हिंदुस्तान में अब ज्यादा दिन नहीं रहोगे इतना यकीन भाई राहुल मिला यकीन नहीं यकीन और यकीन इसलिए है कि हम हिंदुस्तानियों को गुलाम रहने की आदत नहीं तारीख गवाह है चाहो तो पढ़ सकते हो हम आज तक किसी के गुलाम नहीं रहे इंशाल्लाह तुम्हारे गुलाम भी नहीं रहेंगे ले जाओ सच कड़वा होता है ना लॉर्ड डलहौजी हैं हम हिंदुस्तानी वतन की खातिर मौत को सीने से लगाते हैं मौलवी अब्दुल समद वहाबी कंपनी बहादुर से गद्दारी करने के जुर्म में तुमको सजाए मौत दी जाती है तुम्हें कुछ कहना है कहना है पहली बात तो ये कहनी है कि मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं कि मेरी सजाए मौत के फरमान में तुमने उर्दू की कोई गलती नहीं की जाहिर है कि मेरी मेहनत सरासर जाया नहीं हुई और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने वतन और अपने दीन का वफादार हूं
मेरा शुमार वतन परस्त मुसलमान शहीदों में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड डलहौजी साहेब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस वतन की हवा, इसके दरियाओं का पानी और इसके खेतों के अनाज के खाने का फर्ज अदा कर रहा हूं। अगर अल्लाह ताला ने मुझे फिर से इसी वतन में पैदा होने का शर्फ बख्शा और मैंने तुमको यहां पाया तो कसम है परवरदिगार की, मैं फिर से एक बार अपने लिए यही मौत चुनूंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। पालने वाले मौलवी अब्दुस्समद वहाबी को अपने रास्तों में शहीद होने वाले में शुमार करना कि वतन की राह भी तेरी ही राह है। बारेला मुझे ताकत दे कि मैं अब्दुस्समद की वसीयत पर अमल करते हुए अपने वतन को अपनी लैला बनाकर जा सकूं, दीवाना हो सकूं और जान दे सकूं। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया। जो चमन खिजां से उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूं, ना किसी की आंख का